हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम्स। आज जो है हम लोग क्या करेंगे, डिफिनीशन ऑफ सबसेट के बारे में डिस्कस करेंगे और कैसे हम लोग सबसेट को काउंट कर सकते हैं किसी सेट के लिए, और पावर ऑफ सेट के बारे में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसेट का डिफिनीशन पहला क्या है कि अब जैसे कि सबसेट का मतलब क्या हो गया, इस सेट का एक क्या छोटा सा कोई टुकड़ा या फिर उसी के इक्वल हो सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं। जैसे लास्टली हम लोग सेट का डिफिनीशन भी पढ़े थे, तो सबसेट जो होता है एक तरीके का सेट ही होता है, बस एक कंपेयर करते हैं किसी दूसरे सेट के साथ। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, फिलहाल के लिए पहले एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि अगर ए इक्वल टू क्या है 1, 2, 3 है, और दूसरा सेट ले रहे हैं क्या बी इक्वल टू 2, सिंपली 2 ले रहे हैं, तो इन दोनों में जो कनेक्शन है, इन दोनों में एक रिलेशन है, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। इन दोनों सेट में क्या रिलेशन है, B का जो एलिमेंट है A का क्या है, A का भी एलिमेंट है, यानी कि B का जितना भी एलिमेंट है A का एलिमेंट है। यानी कि ये बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ B इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो ये जो ऑब्जर्वेशन है या फिर ये जो रिलेशन है इन दोनों सेट के बीच में, इसी रिलेशन के बेस पे ये डिफिनीशन दिया गया सबसेट का। तो अब हम लोग डिफिनीशन देखते हैं क्या, एज्यूम करते हैं या लेट एस बी ए सेट एंड टी बी ऑल्सो ए सेट। अब ये दोनों में इसी टाइप का रिलेशन बोलेंगे, देन वी से दैट टी इज ए सबसेट ऑफ एस इफ ये कंडीशन। जी ये जो ऑब्जर्वेशन की है, सिर्फ इसकी को क्या करना है, यहां लिखना है डिफिनीशन में कि एवरी एलिमेंट ऑफ टी इज एन एलिमेंट ऑफ एस। यानी कि कोई भी एलिमेंट ले रहे हैं टी का, वो क्या होगा, एलिमेंट होगा एस का। दूसरे तरीके से अगर इसको मैथमेटिकली अगर करना चाहेंगे, यानी कि डैट इज करके ये बोल सकते हैं, या फिर नोटेशन पहले ले लेते हैं कि नोटेशन क्या हो जाएगा, इफ एस इज ए सबसेट ऑफ एस, देन वी कैन राइट टी इज ए, इस तरीके से नोटेशन यूज करते हैं। इसको पढ़ेंगे कैसे, टी इज ए सबसेट ऑफ एस, इस टाइप से। ओके, इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, ये तो लैंग्वेज में हो गया। ये लिख सकते हैं इफ या फिर टी इज ए सबसेट ऑफ एस इफ इवरी मतलब फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू टी, वो कहाँ बिलोंग करेगा, एक्स बिलोंग करेगा एस में। तो ये हो गया क्या मैथमेटिकली, और डिफिनीशन है तो यहाँ से इफ एंड ऑनली भी बोल सकते हैं इस टाइप से, ठीक है। एग्जांपल में ये देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे कि अगर ए यहाँ पे 1, 2, 3 दिया हुआ है, बी ये है, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑब्जर्वेशन है, तो इसको बोल सकते हैं देन बी इज ए सबसेट ऑफ, इन नोटेशन में क्या लिखेंगे, बी इज ए सबसेट ऑफ ए। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग, अगर ए इक्वल टू लेते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सिंपल है, और बी लेते हैं क्या द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर या इवन नंबर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 है 4 है 6 है 8 है, इस टाइप से चल रहा है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है,
कि बी का कोई भी एलिमेंट हम लोग उठा रहे हैं, 2, 3, 4, 6, 8 इस टाइप से, ये किसका एलिमेंट है? एक नेचुरल नंबर है, यानी कि ये बोल सकते हैं देन, या फिर इस तरीके से लिख सकते हैं कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू बी, यानी एक्स के जगह पे क्या ले सकता है, 2, 4, 6, ये कुछ भी हो सकता है। तो ये कहाँ जा रहा है, एक्स जो है एक नेचुरल नंबर है, वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर यानी कि ए में, यानी कि क्या हो जाएगा ये, देन बी इज ए सबसेट ऑफ ए। ओके, अगला जो हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं कि अगर सपोज करते हैं कि सेट जो है फाइनाइट है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1, 2, 3 है, तो इसके पास कितना पॉसिबल सबसेट हो सकता है। तो एक चीज़ यहाँ पे नोट करेंगे, एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कि अगर कोई सेट है तो उसका एक कंपलसरी सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट। इसके अलावा भी कोई होगा वो खुद होगा। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड ऑल सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट। तो इसमें जो है हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से करेंगे, क्या एक एग्जाम्पल लेते हैं क्या, 1 और 2 सिंपली। इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें दो एलिमेंट है, फाइनाइट सेट है, उसका सबसेट फाइंड करेंगे, इनफाइनाइट के लिए नहीं, उसमें बहुत सारे एलिमेंट होगा, फाइनाइट रहेगा, अभी हम लोग फाइनाइट में डिस्कस करें। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 2 है, इसके पास तो पहला जो, जैसा कि देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि एम्प्टी सेट जो है वो सबसेट होता है, तो पहला हम लोग क्या लेंगे, a1 = एम्प्टी सेट, a1 इन द सेंस ये नोटेशन है सबसेट के लिए या सेट के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा, a2, इसमें से 1 by 1 यानी कि एक एक करके एक एलिमेंट उठाएंगे, वन एलिमेंट उठाएंगे और बनाएंगे क्या, सबसेट, एज सबसेट होना चाहिए। तो a2 में क्या रखते हैं, अगर सिर्फ 1 रखते हैं तो ये हो गया, दूसरा क्या है सिर्फ 2 रखते हैं, तो और भी 1-1 करके तो नहीं रख सकते हैं कि एक एक एलिमेंट करके यहाँ से, तो दो ही एलिमेंट है तो दो ही 1-1 करके बनेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, a4 क्या हो जाएगा, अब 2-2 करके सिलेक्शन करते हैं एलिमेंट, जो है एलिमेंट का जो सिलेक्शन करेंगे, दो दो एलिमेंट का सिलेक्शन करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और 2, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं कुछ पॉसिबिलिटी आ रहा है, या फिर इसको जो लिखने का जो तरीका हो गया ये हो गया कैसे, कम्बिनेशन का कुछ यूज कर रहे हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं क्या, जब एलिमेंट लेंगे क्या, 3 एलिमेंट लेते हैं, 1, 2, 3 लेते हैं क्या, a = 1, 2, 3 नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, 3 एलिमेंट लेते हैं और इसको फाइंड करते हैं कि कितने सारे सबसेट हो सकते हैं। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, कोई भी एलिमेंट नहीं, यानी कि कहना क्या चाहते हैं, एम्प्टी सेट, कोई एलिमेंट नहीं, यानी कि इस सेट से ए से क्या करना है, कलेक्ट कैसे करना है, एक भी एलिमेंट का कलेक्शन नहीं करके हम लोग जितना पॉसिबल हो सकता है सबसेट बनाएंगे। दूसरा क्या है, a2, अब बनाते हैं इस टाइप से, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ a विथ एंट्रीज या विथ नंबर ऑफ एलिमेंट एलिमेंट 1 इन ए या फ्रॉम ए, यानी कि कहना क्या चाहते हैं कि हम लोग ये एक सेट बनाएंगे जिसमें जो एलिमेंट्स होगा वो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो कितना हो सकता है, a2 = हो जाएगा 1-1 का सिलेक्शन, एक एक एलिमेंट का क्या करना है, कलेक्ट करके क्या सेट बनाना है। दूसरा क्या हो जाएगा, a3 = 2 और a4 = क्या हो जाएगा, 3। इसको अगर फॉर्मूला में बेस्ट करना चाहते हैं कि ये कितना पॉसिबल सेट हो सकता है, तो क्या हो जाएगा, ये सिलेक्शन किससे करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स में कितना है, 3 है, तो 3 में से 1-1 का कलेक्ट करना है, तो कितना हो जाएगा पॉसिबिलिटी, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स विथ एंट्री या विथ एलिमेंट 1।
ये हो जाएगा 3C1, यानी कि 1-1 का सिलेक्शन कर रहे हैं, एक एलिमेंट का सिलेक्शन कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा 3C1 बाय प्रॉपर्टी या फिर बाय डिफिनीशन ऑफ कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्या है, अब दो दो करके क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट, ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ ए विथ टू एलिमेंट्स। तो अब दो दो करके करना है, तो अगर यहां से ये फाइंड कर सकते हैं, ये जो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट, इस चीज को लिख लेते हैं, सिलेक्ट कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स विथ एलिमेंट या विथ टू एलिमेंट। तो ये हो जाएगा 3 में से 2 का सिलेक्शन, 3C2, ये कितना हो जाएगा 3। तो ये क्या हो गया, पता चल गया कि हमें कितना पॉसिबल हो सकता है। तो ये आसान होगा क्या इसमें से कलेक्शन करना, तो ये हो जाएगा क्या A5 इक्वल टू 2 का, पहले 1 और 2 के साथ करते हैं, 1-2 हो गया। अब 1 को फिक्स करके बाकी जितना पेयरिंग बनाना होगा वो बना लेते हैं, 1-2 हो गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 1-3, और उसके बाद क्या होगा, ये अब तो है ही नहीं, अब तो 1 को छोड़ के आगे करना है 2 और 3, तो बच गया क्या, ये 2 और 3, ये 3 है, ये यहाँ पे दिख भी गया, तो आगे सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हेल्प करेगा कि कितना पॉसिबल हो सकता है, कहाँ तक हम लोग सोच सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, 3 एलिमेंट का, फाइंड ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए विथ 3 एलिमेंट्स। तो सेम इसी तरीके से हो जाएगा क्या, अगर नंबर की बात करेंगे, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स तो कितना होगा 3C3, यानी कि 1, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट विथ 3 एलिमेंट 3C3 इक्वल टू 1, और 1 मतलब 3 में से 3 को कलेक्शन कर लेंगे तो क्या बचेगा, कौन, वो खुद हो जाएगा वो सेट, वो सेट जो होगा नेक्स्ट A8 हो जाएगा 1 2 3, यानी कि A के बराबर ये खुद हो गया। यानी कि क्या हो जाएगा, एवरी यानी कि कोई भी अगर सेट है तो ए उसका खुद का क्या होगा, सेट होगा। तो अब चलते हैं क्या, फाइंड करते हैं कि अगर सपोज करते हैं, ये तो बाय एग्जांपल हम लोग देख लिए, और ये प्रोसेस क्या करेगा आगे, जो हम लोग एक प्रॉपर्टी क्या करेंगे, नोट आउट करेंगे, जिसमें इसका यूज करके प्रूव करेंगे कि अगर सपोज करते हैं कि कोई सेट दिया हुआ है, उस सेट के पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो है, यानी वो फाइनाइट सेट है, और उसमें जो एलिमेंट्स है वो फाइनाइट है, एन है, तो कैसे कितना पॉसिबल हो सकता है सबसेट्स, तो वो फाइंड करते हैं, या थ्योरम बोल सकते हैं या प्रॉपर्टी जो भी है। लेट ए बी ए फाइनाइट सेट विथ एन एलिमेंट्स देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो बाद में लिखेंगे, पहले हम लोग प्रूव कर लेते हैं, जैसे ये सब फाइंड कर रहे थे उसी टाइप से यहाँ पे लिखेंगे, लेकिन कैसे करेंगे वो देखते हैं। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के पास कितना है, एन है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कार्नलिटी ऑफ एन, यानी कि ये नोटेशन है क्या, दिस इज ए नोटेशन फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ए के पास एन एलिमेंट्स है, अब क्या करना है, पहला तो क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा वो खुद 5, जब हम लोग क्या करेंगे, जिसमें से एम्प्टी सेट जो होगा सबसे पहले हो जाएगा। दूसरा क्या है, अब जैसे यहाँ पे कर रहे थे नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट विथ एलिमेंट 1, यानी 1 एलिमेंट, तो क्या करेंगे वैसा ही करेंगे यहाँ पे भी, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट
ऑफ ए विथ वन एलिमेंट, जितना भी हो सकता है वन एलिमेंट ऑफ ए, यानी कि ए के एक एक एलिमेंट करके कितना पॉसिबल सबसेट बना सकते हैं, तो क्या करेंगे, सिलेक्शन करना है। जैसे यहाँ पे कर रहे थे तो यहाँ पे एन है तो यहाँ हो जाएगा क्या, एन सी वन। नेक्स्ट क्या हो गया, अब ये काउंट नहीं करेंगे कि हाँ इस तरीके से वन होगा, कौन कौन होगा, वो तो अलग हो गया, बस हम लोग काउंट करेंगे कितना सबसेट होगा। नेक्स्ट क्या है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए विथ टू एलिमेंट्स ऑफ ए, यानी कि एन सी टू। तो ऐसे ये चलता रहेगा, कहाँ तक जाएगा ये, लास्टली नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ विथ एन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट ऑफ ए विथ एन एलिमेंट्स, ये हो जाएगा क्या, एन सी एन, यानी कि वन। आगे देखते हैं, टोटल को काउंट करते हैं, जैसे कि अलग अलग हम लोग फाइंड कर लिए, वन एलिमेंट रखने वाला सबसेट, टू एलिमेंट रखने वाला सबसेट कितना हो सकता है, और एन एलिमेंट रखने वाला जो सबसेट होगा वो कितना पॉसिबल हो सकता है। अब क्या करते हैं, मुझे टोटल फाइंड करना है, तो सबको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहला तो यहाँ देख रहे हैं ये एक एम्प्टी सेट है, तो ये कितना है, एक ही है, तो ये हो गया वन। उसके बाद क्या है, एन सी वन, एन सी वन ही, यानी कि एन लिख सकते हैं लेकिन फिलहाल हम लोग एन सी वन ही रहने देते हैं। उसके बाद क्या है, एन सी टू हो जाएगा क्या, प्लस एन सी टू, और इस तरीके से चलेगा और यहाँ हो जाएगा एन सी एन। तो ये किसके इक्वल है, ये किसका फॉर्मूला है, तो यहाँ पे ये देख सकते हैं क्या कि वन प्लस वन पे पावर एन करते हैं तो ये क्या होता है, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर यूज करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे एन सी जीरो वन रेज टू एन और वन रेज टू जीरो, प्लस एन सी वन वन रेज टू एन माइनस वन वन, और एन सी टू वन रेज टू एन माइनस टू इंटू वन रेज टू टू, प्लस डॉट डॉट एन सी एन वन रेज टू जीरो एंड वन रेज टू एन, यानी कि इसको अगर लिखेंगे ये हो जाएगा क्या, वन प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट डॉट एन सी एन, और ये इधर क्या है, ये टू पे पावर एन है। इसका यूज करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, टू रेज टू एन, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू रेज टू एन हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग क्या, इस तरीके से जैसे फाइंड कर लेंगे, अब आगे हम लोग चलते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, जैसे हम लोग फाइंड किए अभी क्या कि जितना भी पॉसिबल सबसेट हो सकता है वो फाइंड करने के लिए सीख गए जब फाइनाइट सेट हो। इनफाइनाइट में क्या हो जाएगा, ये चीज़ इनफाइनाइट हो जाएगा जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे एन जो है, यहाँ पे एन क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, तो अनकाउंटेबिलिटी काउंटेबिलिटी ये सेट जब आएगा तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होता है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिर्फ फाइनाइट सेट के बारे में, फाइनाइट सेट रहेगा उसका जो पॉसिबल सबसेट रहेगा उसका यहाँ पे डिस्कस किए, बाकी हम लोग आगे करेंगे। तो आगे चलते हैं क्या, पावर सेट। पावर सेट, पावर सेट क्या होता है, एक सेट होता है, एक सेट के लिए डिफाइन होता है। तो अज्यूम करते हैं क्या, लेट ए बी एनी सेट, लेट ए बी एनी सेट, देन द सेट, देन द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए, द सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। मतलब क्या है कि जितना भी हम लोग सेट, कोई सेट दिया हुआ है उसका जितना भी सेट सबसेट हो सकता है उसको एक दूसरे सबसेट सेट में डाल देते हैं या एक कलेक्शन कर लेते हैं, उसको क्या बोलेंगे, पावर सेट। सिंपली जो उसमें एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, एक सेट होगा। एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, तो इसका कुछ नोटेशन देख लेते हैं। नोटेशन क्या हो जाएगा, ये पावर सेट ऑफ ए इज डिनोटेड बाई
पी ए सिंपली, दैट इज ये बोल सकते हैं पी ऑफ ए मतलब द कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए. ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग. ए इक्वल टू क्या है, वन और टू सिंपली, जैसे कि यहां देखे थे लास्ट में. तो इसमें कितना सबसेट हो सकता है, तो सबसेट फाइंड करना तो जान गए हैं क्या होगा. ये पहला ले लेते हैं फाई है, यानी कि एम्प्टी सेट. दूसरा क्या हो जाएगा, ये वन और ए टू थ्री खुद हो जाएगा क्या ए, यानी कि वन टू. और तो कोई पोस्ट एक नहीं, सॉरी एक और होगा यहाँ पे टू और ए फोर इक्वल टू होगा ए, यानी कि खुद वन और टू. यहाँ पे ये बोल सकते हैं पी ए. पी ए का मतलब क्या हो जाएगा, ये कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट. तो टोटल सबसेट कितना है, ये है, इसको रखना है घर में, इसके घर में फाइव वन टू वन टू. तो इसमें क्या है, ये पावर सेट ऑफ ए है. इसमें जो एलिमेंट्स है कैसा दिया हुआ है, हर एक एलिमेंट एक सेट है, जैसा कि यहाँ देख सकते हैं. तो ये क्या हो गया, एक सेट ऑफ सेट्स बोल सकते हैं. और हम लोग अगले जो वीडियो में देखेंगे क्या, फैमिली ऑफ सेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फिलहाल इसको यहाँ पे देख रहे हैं, और भी अलग अलग एग्जाम्पल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं. या फिर दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं इस तरीके टाइप से कि ए इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं क्या वन टू थ्री, और इसका अगर हम लोग फाइंड किए थे तो पावर सेट क्या हो जाएगा, लास्ट में देख लेना वहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइव वन टू थ्री वन टू वन थ्री टू थ्री, और खुद क्या होगा वन टू थ्री. इसको एक सेट में डालते हैं, तो इस तरीके से पावर ऑफ ए सेट फाइंड कर सकते हैं. चलते हैं क्या इक्वालिटी ऑफ टू सेट. इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स ये क्या होता है, एज्यूम करते हैं क्या ए और बी दो सेट है, और उसको चेक करेंगे क्या वो इक्वल सेट है या नहीं है. तो लेट ए एंड बी विथ टू सेट्स, देन वी से दैट ए इक्वल टू बी इफ, यानी कि इक्वल है इफ क्या होना चाहिए, एवरी एलिमेंट ऑफ ए, ए का जितना भी एलिमेंट हो बी के पास हो, बी का जितना भी एलिमेंट हो ए के पास हो, तो ऑब्वियसली दोनों क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा. तो वहीं पे यहां पे लिखेंगे इफ पहला एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी. तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, हर एक एलिमेंट ए का बी का एलिमेंट होगा, तो ये डिफिनीशन हो गया क्या सबसेट का. यानी ये डैट इज करके ये लिख सकते हैं कि क्या होगा ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ये शो कर दें. दूसरा क्या हो गया, एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए. ओके, दैट इज करके यहाँ पे भी सिमिलरली बोल सकते हैं क्या कि बी का हर एक एलिमेंट क्या है ए का एलिमेंट होगा. तो ये बोल सकते हैं कि दैट इज बी इज ए सबसेट ऑफ ए, बी इज ए सबसेट ऑफ ए. अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अगले जो वीडियो में है हम लोग इससे रिलेटेड एग्जांपल भी देखेंगे, और आगे जो पढ़ेंगे क्या फैमिली ऑफ सेट्स, इंडेक्स फैमिली ऑफ सेट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे एमएससी करना चाहते हैं या फिर जो भी है वो जो नोटेशन होता है वो इम्पोर्टेंट है कि कैसे उसको समझेंगे, और आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या अलजेब्रा ऑफ सेट्स. ठीक है, थैंक यू.